नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दरभंगा के भालपट्टी ओपी क्षेत्र के मुरिया गांव में बुधवार को बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नक्की अहमद के पुत्र नदीम अहमद 40 वर्ष के रूप में हुई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची व घटना की छानबीन की। इस दौरान बताया गया कि नदीम की मौत निजी तालाब में करंट लगने से हुई है। इधर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार करा दिया। इसकी पुष्टि प्रभारी संतोष कुमार ने दी है। क्या बहुत लोग आए हैं, आपको कुछ पता है क्या हुआ है? अबू इंतकाल हो गए हैं, आपको पता है? आप रो रहे थे। नहीं, सबर से हैं आप। क्या नाम है बेटा आपका? कैसे करंट लग गया इनको? बगल में एक पोखर है इनकी मस्जिद में, सेमाही के लिए जो कहना मछली रखते थे जी, और उसी को पानी थोड़ा ज्यादा होने की वजह से पानी को निकाल रहे थे जी जी। पानी को लेकर मोटर से इसका इनको करंट लगा, मोटर जो चल रहा था उससे करंट लग करके वो फेंका गए पोखर में। अब पोखर में फेंकाने के बाद ही समझिए कि वो दम टूट गया, लेकिन फिर भी लोग जो है कहना अपनी तशफी के लिए डॉक्टर के यहाँ मतलब दरभंगा ले गए। हालांकि तो पूरा खानदान इनका खुद डॉक्टर है जी जी, जैसे वाली से लेके चचा से दादा से लेके इनके खुद डॉक्टर थे, है ना। लेकिन फिर भी अपनी तशफी के लिए ये डॉक्टर के यहाँ लगे दिल्ली मोड़ पर, है ना। लेकिन वहाँ ECG वर्क किया तो जीरो आया, है ना। लोग फिर मायूस होकर के ले आया, यही माया है और कहीं कोई। कितनी उम्र रही होगी उनकी? तकरीबन 40 है। नाम क्या था पूरा इनका? डल्फी कहते हैं, लेकिन असल नाम तो क्या है? नदीम अहमद। ये गांव कौन सा है? ये मुरिया। मुरिया है। थाना भालपट्टी ओपी। कितने बच्चे थे इनको? शादी इनकी खर्रा थी। बच्चे कितने हैं? तीन लड़का एक लड़की। तीन लड़का है। वालिद का नाम नकी अहमद, डॉक्टर थे वो पेशे थे, बहुत मकबूल, अपने अच्छे और अच्छा माहौल छोड़ा यहाँ अपने। और चचा का नाम जकी अहमद, है दो ही भाई इनके मतलब वाली। और ये बताइए कि ये घटना कितने बजे की होगी? करंट जो लगा तकरीबन 1:30 बजे। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद एजाज करीम शौकत सुंदरपुर। क्या काम कर रहे थे जिन करंट लगा? ये पानी निकलवा रहे थे। आप पीछे से मतलब मेडिकल से ही जुड़े हुए थे सब भाई मेडिकल से जुड़े। लेकिन इनका सुना बिजनेस भी था मछली का? जी जी हाँ, वही तो बोले ना, सेमाई के लिए।